मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कन्हैया कुमार झा आप लोगों को गायत्री अकेडमी सोनी की क्लास में स्वागत करते हैं। हम आज आप लोगों के लिए क्लास नाइन्थ का न्यू चैप्टर एक्सरसाइज 15 क्यूब एंड घन और घनाव, इस इंग्लिश में क्यूब एंड क्यूबाइड कहते हैं, उस चैप्टर को लेकर के हाजिर हैं स्टूडेंट फ्रेंड्स से। तो हिसाब नंबर इसमें एक का एक नंबर जो कहता है क्या, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा m गुना कर दी जाए तो उसके पूर्व और नए पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। किसी घन की जो है भुजा, जो हम जानते हैं कि घन की भुजा जो बराबर जो है a होता है, m गुना करने पर घन की भुजा बराबर एम। अब कहता है क्या कि उसके पूर्व और नए पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात, तो अनुपात बराबर घन का पूर्व क्षेत्रफल, पूर्व पृष्ठ क्षेत्रफल बटे घन का नए पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो घन का पूर्व का क्षेत्रफल होता है 6a² एम गुना करने को जाए 6a² एम स्क्वायर, 6a² 6a² कट गया 1/m² यानी 1:m² आंसर होगा। नेक्स्ट फिर देखें पुनः कहता है क्या 10 मीटर 5 मीटर 6 मीटर किनारे वाले घनाव का आयतन डैश एन क्यू होगा। प्यारे बच्चों, हम आपको बता चुके हैं घनाव का आयतन बराबर एल बी एच, घनाव का आयतन आपको हम बता चुके हैं एल बी एच। तो दूसरा नंबर में जो है आपको दिया हुआ है एल बराबर जो है 10 मीटर, बी बराबर जो है 5 मीटर और h बराबर जो है 6 मीटर। तो घनाभ का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है l गुना b गुना h 10 मीटर गुना 5 मीटर गुना 6 मीटर 10 × 50 × 6 = 300 मीटर क्यूब, जो कि आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हिसाब फिर कहता है क्या किसी घन का एक किनारा एवं विकर्ण की लंबाई का अनुपात डैश है। तीसरा नंबर हिसाब जो है कहता है क्या किसी घन का एक किनारा एवं विकर्ण की लंबाई का अनुपात डैश है, तो अनुपात बराबर हो जाएगा घन का किनारा बटे घन का विकर्ण। घन का किनारा होता है a और घन का विकर्ण बराबर होता है √3a, a कट गया 1/√3 यानी 1:√3 होगा। फिर नेक्स्ट हिसाब जो है आपको कहता है क्या 2 मीटर लंबी भुजा वाले घन से 1 मीटर लंबी भुजा का घन काट लिया गया है तो घन का शेष आयतन डैश एम क्यू होगा। देखें फोर नंबर हिसाब में कहता है कि 2 मीटर लंबी भुजा वाले घन से 1 मीटर लंबी भुजा का घन काट लिया गया है तो घन का शेष आयतन डैश एम क्यू होगा। तो घन का शेष आयतन बराबर पहले जो घन का भुजा दिया गया है, चूँकि घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू, तो 2q और -1q, तो 2 का क्यूब करेंगे 2 × 4 × 8 -1 यानी 7 मीटर क्यू जो है आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हिसाब जो है 5 नंबर जो है एक का 5 नंबर जो है एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है तो उस घन का आयतन क्या होगा। जब किनारा दिया हुआ रहेगा तो घन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है
भुजा क्यू, तो लगाएंगे क्या घन का आयतन बराबर भुजा क्यू। भुजा आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 10 × 10 = 1000 सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको 6 नंबर जो है कहता है क्या एक घन का किनारा 7 सेंटीमीटर है, तो उस घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर² हो जाएगा। हम लोग जानते हैं क्या घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6a² 6 गुना भुजा दिया गया है 7 का ये स्क्वायर हो जाएगा 6 गुना 7 से बन जा 49, 9×6=54 के 4×5 24, 5×29 294 सेंटीमीटर ये स्क्वायर हुआ। नेक्स्ट हिसाब जो है 7 नंबर, एक घन में 10 सतहें होती हैं, तो आप लोगों को उस दिन भी पता इस दिन परिभाषा बता रहे थे, सूत्र बता रहे थे, उस दिन भी हम आपको बताए थे क्या कि एक घन में 6 सतहें होती हैं, एक घनाभ में 6 सतहें होती हैं, तो सीधे हम क्या भर देंगे उसमें 6 भर देंगे। उसके बाद जा कर के 8 नंबर जो है किसी घनाभ में सतहों की कुल संख्या 10 होती है, तो घन और घनाभ में समान सतहें होती हैं, सिर्फ जो है अंतर जो है इतना होता है कि घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और घनाभ की जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है भिन्न भिन्न होती हैं। तो समझ गए प्यारे बच्चों, अब जो है आपको 9 नंबर में है किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या होती है, किनारों की जो है कुल संख्या जो है आपको 8 हो जाएंगे, सिर्फ घनाभ में किनारों की कुल संख्या 8 हो जाएंगे। उसी तरह से फिर घन में भी पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों फिर हम नेक्स्ट डे हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को उसमें भी ऑब्जेक्टिव भी हैं, आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम आप लोग को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।